वेलकम टू इलेक्ट्रो टीवी। तो आज हमारे पास है अस्मित कंपनी का वाईफाई बल्ब, जो कि ये 10 वाट का बल्ब है। तो ये बल्ब मोबाइल से ऑपरेट होता है, हॉटस्पॉट के थ्रू अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट करके मोबाइल से और राउटर से दोनों से ऑपरेट होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं। ये आपको मार्केट में 99 से लेकर 399 तक ये मिल जाएगा। तो ये ऑफ़र के हिसाब से मैंने इसको ऑर्डर किया है और हम लोग इस वीडियो में इसको टेस्टिंग करने वाले हैं और आने वाले वीडियो में इसको लेट इनसाइड देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या सर्किटी होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के बाद एक आपको मैनुअल मिलेगा। तो ये मैनुअल में दिया गया रहता है कि किस तरह से इसको ऑपरेट करना है। उसके बाद इसके अंदर जो मेन बल्ब है एलईडी है वो आपको मिलेगा। तो देखने से ये पता लगता है एलईडी का क्वालिटी थोड़ा सा चीप है, अस्मित ने थोड़ा सा इसको चीप बनाया है, क्योंकि ये इतने सस्ता में अगर ये बेच रहा है 99 तो थोड़ा क्वालिटी पे ये इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया है और लाजमी भी है। तो इसका रेटिंग भी दिया गया है, आप इसमें रेटिंग भी देख सकते हैं क्या रेटिंग दिया गया है। तो इन्होंने लिखा है कि 100 से 220 वोल्ट तक ये ऑपरेट वोल्टेज है, ये 50 हर्ट्ज पे चलेगा, क्योंकि कोई भी एलईडी बल्ब जो कि सेम रेटिंग पे चलता है। तो चलिए अब इसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको ऑपरेट करने के लिए आपको ये यहाँ पे क्यूआर दिया गया है, क्यूआर कोड गूगल लेंस की मदद से इसको आप क्यूआर कोड को ये अपने यहाँ पे स्कैन करके डायरेक्ट लोड कर सकते हैं, या फिर आप अस्मित का डायरेक्ट जाके आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और प्ले स्टोर पर जाके आप डायरेक्ट यहाँ पे अस्मित सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पे माई अस्मित करके एक ऐप आता है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर इसको फिर ये देखिए आपको लॉगिन मारेगा। तो लॉगिन आपको करना पड़ेगा, बिना लॉगिन का आपका नहीं हो पाएगा। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इसको लगाने के बाद इस क्या तरह का सिग्नल देता है। तो जब तक इस एलईडी को सेट नहीं कीजिएगा वाईफाई बल्ब को, तब तक ये ऐसा ही ब्लिंक करता रहेगा, कम ज़्यादा। तो आप जब लॉगिन कर लीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको मोबाइल में आएगा। तो थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। तो इस तरह का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे लिखेगा ऐड स्मार्ट डिवाइस। तो थोड़ा मैं यहाँ पे आपको ऐड स्मार्ट डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लाइट में जाना है और आपको लूपिंग को डिवाइस अपने आप यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो ये आ जाएगा तुरंत, इसका जो हॉटस्पॉट क्रिएट होगा वो आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट सेटअप कर देते हैं, कनेक्ट डायरेक्टली विथ फोन, इट्स ओके। और यहाँ पे वाईफाई में जाके इसको कीप कर देते हैं और कंटिन्यू। ये देखिए सेट हो गया है, अब सिंपल सा प्रोसेस है, सेट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये देखिए इसको बंद करेंगे बंद हो जाएगा, चालू करेंगे ये चालू हो जाएगा। देखिए इसको बंद करेंगे ये बंद हो गया।